Okay, sir. So first of all, a very good morning to all of you. I am Kanan, and I'm your host for today's webinar of career counseling. I warmly welcome all of you on behalf of GIC Club, Government Engineering College Dahod. For this webinar, we have the privilege to have Dr. Gaurav Garg, sir, co-founder and head of Digital Initiatives, Study IQ Education, with 9.2 million and above subscribers on YouTube. Dr. Gaurav Garg, sir. Has expertise in teaching, gender knowledge, current affairs, and entrepreneurship. Sir has been helping a number of students in achieving their dreams under his guidance. And I find immense pleasure in introducing our honorable guest for today. I would like to extend my warmest welcome to Dr. Gaurav Berg, Sir. It's a pleasure to have you here, and we are thankful for your auspicious time. Now, without taking much of your time, I would like to hand over the session to Sir and i request harsh to continue with the further session but before starting the session i would like to give two instructions to all the participants please do not switch on your mic and camera during the session and if you have any questions please write them into the chat box i will be raising all the questions at the end of the session so please do not create any disturbance in the session thank you now harsh you can continue the session and sir so now you can continue thank you

आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो जो सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते होंगे जो उद्यमी जैसे हम बोलते हैं entrepreneur बनना चाहते होंगे एंड आई टेल यू हाउ यू कैन गो अबाउट इट एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फायदा जो आप लोगों को है इस कॉलेज में होने से अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन विच इज दैट इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो है तो इसका मतलब मैं ऐसा जूम करता हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कोई लोन नहीं होगा ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको याद रखनी है पॉइंट अक्सर हम नकार देते हैं जब भी हम ऑन्टरप्रिनशिप की बात करते हैं क्योंकि आप इमेजिन करिए कि एक अगर आप प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते तो आपके ऊपर कम से कम दस लाख रुपए का एक लोन होता या आप एमबीए करते कहीं से तो इतना लोन एक मिनिमम दस से पंद्रह लाख रुपए का लोन होता और वो आपको कम से कम दो तीन साल के लिए ऑंटरप्रेन बनने नहीं देता क्योंकि आपको उसको वापस चुकाने के लिए जॉब करनी पड़ती सो so, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आपके पास कि आपके ऊपर आई एम अज्यूमिंग कि बहुत कोई लोन ऐसा नहीं होगा और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक जो कॉन्फिडेंस होता है जो करेज होता है वो एकदम से नहीं आता ऐसा नहीं है कि आज के कॉम्पिटेटिव टाइम में आप आप कोई भी चीज सोचें और तुरंत उसको शुरू कर दें ऐसा नहीं होता है राइट यू हैव टू अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज और वो जो नॉलेज है वो जो आपको मिलती है

और फिर हमारा अच्छा कॉलेज है तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा या इस तरह की हमें जो सोच है उससे बाहर निकलना होगा आप लकी हैं कि आप एक इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपका करियर सिक्योर है काफी हद तक सिक्योर है आ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो इट्स आ, इट्स अ जर्नी जो आपको अकेले ही तय करनी होगी आ, आप, आप दुनिया का कोई भी कॉलेज देख लें चाहे आप आई को देख लें चाहे आप अम्म uh, अमेरिका के कॉलेज हार्वर्ड स्टैनफर्ड कोई भी आप कॉलेज ले लें कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें एक परसेंट से ज्यादा लोग बनते हैं और इसका रीजन ये है कि उसमें uh, एक तो कुछ लोगों का झुकाव नहीं होता विच इज फाइन कुछ लोग बनना ही नहीं चाहते लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं लेकिन वो कदम नहीं उठा पाते उसके लिए जो करेज है वो जो कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन जो पहला कदम होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है अब अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल लूं आप अब इंजीनियर बनने वाले हैं बहुत कम समय रह गया है और अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले तो आपको एक सैक्रिफाइस देना होगा कि आपको फॉर एग्जांपल या तो आप प्लेसमेंट में ना बैठे या फिर आप जॉब को छोड़ दें और आपको ये लग सकता है कि एक इतना आपने समय दिया यू नो 4 साल आपने लगाए पढ़ाई में और आप इस नौकरी को जो भी आपको मिलने वाली है आप उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे लेकिन आप इसको इस तरह से आप बहुत जल्दी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ये फीलिंग आपके अंदर आएगी मैं अगर अपना एग्जाम्पल दू आ, मैंने एक का हमेशा ये चीज़ रखी है अपने दिमाग में कि आ, मैं वो काम करूँगा जो जो मुझे पसंद है आ, मैंने अपना करियर बदला बहुत लोग जानते हैं मैं पहले डॉक्टर था उसके बाद मैंने एमबीए किया और एम करने के बाद मैंने कॉलेज से प्लेसमेंट लिया था और जब मैंने प्लेसमेंट लिया मेरे ऊपर लोन नहीं था हालांकि खर्चा एम करने में काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप एक टॉप कॉलेज से करते हैं मैंने मुंबई में एक प्लेसमेंट लिया था एक कंपनी में और मैं काम कर रहा था लेकिन हमेशा से एक वो चीज़ थी मेरे अंदर कि मुझे अपना ही कुछ करना है कहीं ना कहीं मैं उस स्ट्रक्चर में उस कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में एक बंद के काम करने को अपने लिए वाजिब नहीं मानता था इट जस्ट अपील टू टू मी एक नाइन फाइव जो जॉब होता है वो मुझे अपील उतना नहीं किया मुझे लगा कि मैं कुछ और कर सकता हूँ एंड uh, मैंने अपनी नौकरी सिर्फ दो महीने के बाद छोड़ दी ये मैं बात कर रहा हूं आपसे uh, मई 2014 हजार चौदह की uh, अप्रैल और मई बस दो महीने मैंने काम किया लेकिन उसके बाद और मैंने पहले बहुत कुछ नहीं सोचा मैंने बहुत ज्यादा मैं रैशनल नहीं था राइट right? ये दो चीजें होती हैं एक होता है बहुत लॉजिकल पर्सन होना बहुत लॉजिकल पर्सन क्या करता है छोटी से छोटी चीज बारीकी पे ध्यान देगा आ, सब कुछ पहले सोच के रखेगा फिर कदम उठाएगा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपका जो माइंड है वो आपको एंट्रप्रेनोर नहीं बनने देगा आपका माइंड ही आपको बहुत तरह के डर दिखाएगा आपका माइंड आपको आ, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं थोड़ा सोचते हैं आ, तो आप उसके लिए पॉजिटिव होते हैं लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा सोचते हैं तो फिर आप उसमें नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी सोचने का जो दायरा है वो कहाँ पर रोकना है राइट आ, उसके बाद आ, मेरे पास कुछ नहीं था मैं अब मई मई खत्म हो चुका है 2014 हजार चौदह पांच साल की लंबी ग्रेजुएशन और दो साल की एम बहुत लंबी पढ़ाई और ग्रेजुएशन के लिए भी काफी लंबी तैयारी जिस एग्जाम को आज नीट बोलते हैं एंडी नीट उसको उस वक्त पीएमटी बोला करते थे तो उसके लिए भी एक लंबी तैयारी थी और मेरी एज भी जो है ट्वेंटी सेवन हो चुकी थी लेकिन एक चीज पक्की थी कि मुझे यह था कि मुझे चाहे फेल हो मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए बाद में नौकरी में क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा था तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे नौकरी तो मिल जाएगी एटलीस्ट उतने की तो मिल जाएगी कि मैं सर्वाइव कर लूंगा लेकिन एक चांस क्यों ना लिया जाए एक जो आपके अंदर इच्छा है क्यों ना उसे कोशिश की जाए कि उसे पूरा करने की कोशिश की जाए उसके बाद मैंने यही लोकल मैं गुरुग्राम से हूँ हरियाणा से आ, यही मैंने लोकल जो आ, कोचिंग्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने होम ट्यूशन्स लिए मैं देखना चाहता था कि वास्तव में जो पढ़ाने का करियर है और याद रखिए 2014 था तो आज जो आप देखते हैं कि भारत में जो एडियोटेक सिस्टम है वो इतना फल फूल रहा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं इतनी फंडिंग मिल रही है कंपनीज को वो वैसा समय नहीं था पढ़ाई के नाम पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थे अगर आपको टीचर बनना है तो वही ट्रेडिशनल रास्ता था कि या तो आप पीएचडी करिए और आप यूजीसी नेट वगैरह क्लियर करिए कोशिश करिए कि आपकी जे आर एफ रैंक का आए और आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लग जाइए लेकिन मुझे एक हमेशा से ये था कि मुझे बहुत बड़े लेवल पे लोगों को पढ़ाना है मुझे एक रीच नजर आती थी कहीं ना कहीं एक वो था मुझे कि मैं बहुत बड़े स्तर पर कुछ करना चाहता हूँ इसी सोच के साथ फिर दिसंबर में हमने स्टडी आई शुरू किया जब शुरू किया तो एक बहुत छोटा सा दिल्ली के एक कमरे में हमने क्लासरूम के तौर पर शुरू किया था जहां पर हम आ, किसी भी एक छोटे से एक कोचिंग की तरह या क्लासरूम की तरह हम क्लासेस लेते थे आ, उसके बाद हमने हमारा दूसरा सेंटर खोला दिल्ली में ही आ, पहला सेंटर हमने लाजपत नगर में खोला था दूसरा सेंटर हमने पटेल नगर में खोला था और ऑफलाइन में लेकिन हमेशा से एक चीज़ हमें यह लगती थी कि हम उतना ज्यादा स्केल अप नहीं कर सकते अभी हम ऑनलाइन नहीं आए थे हमें ज्यादा पता भी नहीं था और ये लगभग 22 जून 2015 की बात है जब मैंने स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल बनाया और जब यूट्यूब चैनल बनाया तो उसके पीछे एक सोच ये थी कि हमारा जो ऑफलाइन वाला सेंटर है वहां पर एडमिशन ज्यादा हो कि ऑनलाइन आप अपनी अपनी टीचिंग स्किल या अपनी क्वालिटी शोकेस कर सकें और उसके बाद बच्चे उसको देखें इंप्रेस हों और फिर ऑफलाइन में एडमिशन लें तो इनिशियली तो सोच ये थी लेकिन बाद में हमने एक संभावना देखी हमने ये देखा कि YouTube के माध्यम से हम पूरे पूरे इंडिया में पहुंच सकते हैं और वही हुआ हालांकि YouTube की जर्नी भी आसान नहीं थी हमारा चैनल आज चाहे हमारे साथ लगभग पंचानवे लाख लोग जुड़े हैं लेकिन एक समय था जब सिर्फ छह महीने में कुछ पांच या दस हजार सब्सक्राइबर होंगे शुरू के तो वो जर्नी आसान नहीं थी मैंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब पर भी अच्छा करें आपको यूट्यूब सीखना होगा और ये हमारा दूसरा एक पहलू है ऑन्टरप्रिनरशिप का कि आज मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जो ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जो लेजेंड हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं लेकिन वो यूट्यूब पर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब एक अलग स्किल है और पढ़ाना एक अलग स्किल है जस्ट बिकॉज आप यूट्यूब पर अच्छे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल भी अच्छे से चला पाएं यूट्यूब में आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा तो मैंने सब कुछ सीखा जो लोग यूट्यूब की बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे उनके मैंने वीडियोज़ देखे रात तो रात मेरी पूरी रात निकल जाती थी कंप्यूटर पे बैठे हुए और मुझे पता नहीं चलता था सुबह कब हो गई जो भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब की नॉलेज रखते हैं वैसे चैनल मौजूद थे और ये सब एक तरह से फ्री नॉलेज था मैं छोटी छोटी पहलू पर ध्यान देता था कि वीडियो कितने मिनट का होना चाहिए वीडियो का टाइटल क्या रखना है वीडियो में डिस्क्रिप्शन क्या रखना है वीडियो में कौन से टैग डालने हैं वीडियो के थमनेल में क्या रखना है और हर छोटे छोटे पहलु पे हमने ध्यान दिया उसी हिसाब से वीडियोस को हमने टोन किया हमने पूरा एनालिसिस किया कि अगर किसी वीडियो पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो क्यों ज्यादा आ रहे हैं और किसी वीडियो पे व्यू कम है तो कम क्यों रह गए ये सब चीज़ें भी हम किया करते थे उसके बाद चैनल बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और फिर हमने हमारे आ, हमें कंपनी को सस्टेनेबल बनाना था ऑब्वियसली पहले फ्री चैनल था तो हमने कुछ ना कुछ साइड में पेड कोर्सेज भी स्टार्ट किए इनफैक्ट सबसे पहली बार जून का महीना था जून दो जब हमने पहली बार पेड कोर्स स्टार्ट किए थे और जो हमने एक टारगेट रखा था अपने माइंड में कि हम इतनी सेल कर देंगे पहले महीने हमने उसके ट्वेंटी लॉन्च होते ही और उस उस वक्त हमें यह लगा कि जो ऑफलाइन के एक्सपेंसेस हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन में कम है आ, हमारी जो मार्केट है जो पहले सिर्फ दिल्ली हुआ करती थी क्योंकि दिल्ली ऑब्वियसली दिल्ली का ही बच्चा हमारे पास पढ़ने आएगा ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में भी पाँच किलोमीटर तक का बच्चा हमारे पास आएगा पढ़ने लेकिन यहां पर हमारी मार्केट पूरा इंडिया था 125 करोड़ लोग तो एक जिसे कहते हैं ना स्केल अप करना जब आ, आपकी मार्केट इतनी बड़ी हो जाए तो आप जैसे एम में भी पढ़ते होंगे कि जो पाई है शेयर ऑफ द पाई जब पाई बहुत बड़ा बढ़ जाता है तो आपकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं हमने इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोर्सेज लॉन्च किए जिससे जो साउथ इंडिया के लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं जो हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं उन तक भी हम रीच आउट कर सकें और इस तरह से स्टडी आई की एक शुरुआत हुई फिर ऑनलाइन में हमारा रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रो करने लगा तो फिर हमने ऑफलाइन सेंटर दोनों बंद कर दिए और हम पूरी तरह से ऑनलाइन आ गए यहाँ पे आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि दिसंबर 2014 मैं जनवरी 2015 मान लेता हूँ स्टार्ट होते होते जनवरी 2015 हो गया था जनवरी 2015 में जब स्टडी आई क्यू ठीक से स्टार्ट हुआ और हमने हमारी जो पहली इनकम थी वास्तव में वो जुलाई सोलह में की यानी ऑफलाइन में तो हम कुछ कमा नहीं रहे थे जो हम कमाते थे उतना ही हमें हमारा एक्सपेंस था तो नेट प्रॉफिट नहीं था उसमें आ, लेकिन आ, ये समय कठिन था आ, क्योंकि आ, आप देख सकते हैं जनवरी 2015 से जुलाई 2016 यानी हम बात कर रहे हैं डेढ़ साल डेढ़ साल तक हमने अपने आप को कैसे सरवाइव किया हमने हमने, हमने होम ट्यूशन्स लिए हम सुबह से लगभग शाम तक कंपनी में काम करते थे उसके बाद रात को आगे होम ट्यूशन लेते थे इस तरह से हमने दो साल सर्वाइव किया है आ, तो ये एक और पहलू है कि ऑन्टरप्रिनशिप जैसा बाहर से दिखता है वैसा नहीं है बाहर से आपको लगेगा कि ये बहुत एक ग्लैमरस फील्ड है आप अपने नाम के आगे को फाउंडर लगाते हैं सीईओ लगाते हैं डायरेक्टर लगाते हैं आपको लगता है कि बहुत ग्लैमर है इसमें विभिन्न मंचों पर आपको बुलाया जाता है टॉक देने के लिए या लोग आपसे एडवाइस लेते हैं लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो स्ट्रगल होता है जो जो कठिनाइयां हम झेलते हैं वो इससे कहीं ज्यादा है आ, लेकिन हाँ मेरे को मैंने मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में ऑन्टरप्रिनरशिप ईजी है नहीं है ईजी इसलिए इतने कम ऑन्टरप्रिन होते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं प्रॉबेबली हमारा इकोसिस्टम अलाउ नहीं करता कि एक लेवल से ज्यादा लोग बिजनेसमैन बने या एंटरप्रेन्योर बने लेकिन ये वर्थ है आपका आप जितना समय इसमें लगाएंगे उसके हिसाब से रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है इसमें आप जॉब में भी एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं ऐसी बात नहीं है आ, देखा जाए तो आज सुंदर पिचई जैसे लोग या अरविंद कृष्णा जो आईबीएम कंपनी के चेयरमैन हैं ये भी जॉब ही कर रहे हैं राइट आ, लेकिन मुझे लगता है कि ऑपरचुनिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आ, मुझे लगता है हमारे देश में उतने ऑपरचुनिटीज नहीं है कि जिसमें इस स्तर तक जॉब में पहुंचा जा सकता है और जॉब में जॉब कम रिवॉर्डिंग होता है अगर आपका ठीक है स्टार्टअप में समय लगता है लेकिन अगर स्टार्टअप एक बार आपका चल जाए या थोड़ी भी आपको सक्सेस मिले तो उसमें जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं बहुत ही ज्यादा है एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा और ये है लीप ऑफ फेथ You know, ये इसके लिए कोई हिंदी में शायद शब्द नहीं है मेरे पास जब भी आप उद्यमी बनने की सोचें, तो आप बहुत ज्यादा सोचिए मत हाँ अपना एक बेसिक प्रिपरेशन करिए अपना मार्केट सर्वे करिए कि किस मार्केट में आपको जाना है आपका इंटरेस्ट क्या है आप काम सीखिए कहते हैं ना वेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न जब आप कम उम्र के हैं तो आप काम सीख सीखिए आप पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचिए तो आप सब कुछ बहुत पहले से नहीं देख सकते इसमें इतने स्ट्रगल इतनी विभिन्न तरह की चुनौतियां इसमें आती हैं कि सब कुछ आप पहले से सी थ्रू नहीं कर सकते तो आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा कि हाँ जो चैलेंजेस जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ जो आगे आएंगे आ, मैं उनको ओवरकम कर लूंगा या उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा अगर मैं अपना एग्जाम्पल दू तो मैंने भी अपना एक बेसिक रिसर्च किया था मैंने फ्री में भी पढ़ाया मैंने छह महीने इनफैक्ट बहुत कम दाम में भी पढ़ाया लेकिन मैं सीख रहा था काम उसके बाद मुझमें वो करेज आया कि हाँ अब मैं अपना कुछ शुरू कर सकता हूँ अपना कुछ काम शुरू करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है हालांकि मैंने जो स्टडी आई को स्टार्ट किया था सिर्फ एक दो लाख रुपए की इनकम से किया था आ, और, और आज एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे साथ आज एक लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज ऑफ इंडिया तो ये जो जर्नी है बहुत एक उतार चढ़ाव वाली है कोई भी मैं अपनी नॉलेज में किसी भी ऐसे ऑन्टरप्रनियर को नहीं जानता जिसकी जर्नी आसान रही हो कि उसने शुरू किया और बस वही काम चल निकला और मुझे लगता है आप भी अगर किसी ऑन्टरप्रेनियर से मिलेंगे तो कभी भी आप उसकी जर्नी बहुत लीनियर नहीं पाएंगे उसमें उतार होंगे चढ़ाव होंगे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो हमारा ऑफलाइन अब जैसे नहीं चला ऑफलाइन जो हमारा मोड था उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए और हमें तो इनफैक्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें ये भी नहीं पता था कि अगर हमारा ये ऑफलाइन सेंटर नहीं चला तो हम क्या करेंगे राइट right? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ लेकिन हमने हिम्मत रखी हम लगातार हमने परसिस्ट किया और ऑनलाइन uh, में हमें सक्सेस मिली अब हो सकता है ऑनलाइन में भी नहीं मिलती कोई बात नहीं ऑनलाइन में नहीं मिलती तो कुछ और हम परसिस्ट करते रहते एक एक समय तक जब तक हमारे अंदर पूरी एक मोटिवेशन था तब तक हम करते रहते उसे और यह भी संभावना है कि वो काम नहीं करता और वो नहीं करता तो ऑब्वियसली मैं जॉब में वापस चला चला जाता या मैं करियर के दूसरे विकल्प देखता लेकिन माफी चाहूंगा लेकिन दोनों ही सूरतों में एक रिग्रेट नहीं रहता कि कोशिश नहीं की या जो आप बनना चाहते थे वो कोशिश नहीं की तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया बताई है अपनी जर्नी स्टडी आई क्यू की आज हम लगभग 120 एग्जाम्स को कैटर करते हैं और अब हमारे चैनल पर भी एक करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे कुछ ही महीनों में यह काफी एक सेटिस्फेक्शन देता है हमें कि हम तो एक बहुत बड़े स्तर पर वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज इनफैक्ट मुझे बताया गया कि आपके कॉलेज में भी बहुत सारे लोग स्टडी आई देखते हैं और ये एक और चीज मुझे सेटिस्फेक्शन देती है कि स्टडी आई को एक नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाता है एक अकेडमिक प्लेटफॉर्म या कोचिंग की तरह नहीं देखा जाता लोग नॉलेज अक्वायर करने के लिए स्टडी आई देखते हैं एक न्यूज चैनल के ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग अकेडमिक एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए देखते हैं और ये चीज मुझे काफी काफीफेक्शन देती है अगर आप एंट्रप्रेन बनना चाहते हैं आज एक और बहुत अच्छी चीज हो गई है कि भारत में बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें आपको दस लाख रुपए तक का लोन मिलता है कोलेट्रल फ्री मतलब आपको बदले में कुछ गिरवी नहीं रखवाना अगर आप ऐसी कम्युनिटी से हैं तो एक अम्बेडकर मिशन सरकार ने स्टार्ट किया है जिसमें आपको तीस लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है वो लोन नहीं है वो कोलेट्रल फ्री मनी होता है इसी तरह से क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है तो स्टैंड अप इंडिया है स्टार्टअप इंडिया है बहुत सारी योजनाएं यहाँ सरकार ने चलाई हुई हैं जिनमें एटलीस्ट आप एक हेड स्टार्ट कर सकते हैं भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे इनक्यूबेटर होते हैं एक्सेलरेटर होते हैं और अगर आप वास्तव में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आज एंजल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है वेंचर कैपिटल कंपनी कंपनी अवेलेबल है ये वो कंपनीज हैं जो आपको सीड फंडिंग देती हैं शुरू में बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं और बाद में फिर जब आप कंपनी ग्रो करते हैं आपको ज्यादा धन चाहिए तो फिर आप वेंचर कैपिटल कंपनीज के पास भी जा सकते हैं आज भारत में बहुत जिसे कहते हैं ना ग्रीन इकोसिस्टम है बहुत ही फल फूल रहा है ये इकोसिस्टम बहुत ज्यादा लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं अगर आप मुंबई में देखें आईआईटी मुंबई मैं पवई एरिया में था मुंबई में जिसको पवई एरिया आईआईटी पवई भी बोलते हैं आईआईटी मुंबई को उस एरिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऑनटरप्रेनर बन रहे हैं और गुजरात का तो मैं क्या कहूँ गुजरात के लोग हमेशा से ही एक उनमें इंस्टिंग रही है कि वो कुछ बिजनेस करें वो कुछ हमेशा कुछ हटके करें कुछ डिफरेंट करें बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं गुजरात में अहमदाबाद में मैं था तो वहाँ पे बहुत बड़ा कपड़ों का कारोबार है उसे मैंचेस्टर का ईस्ट भी बोलते हैं अहमदाबाद को इसी तरह सूरत आप देखें तो बहुत तरह के उद्यम लगाए गए हैं लोगों के द्वारा एमएसएमईज बहुत सारे हैं गुजरात की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं सो मुझे लगता है कि आज एक सबसे अच्छा समय है भारत में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो शायद मेरे समय में नहीं था आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आज बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं आप कहीं भी अगर फंसे आपको मान लीजिए फंडिंग रेज करने में प्रॉब्लम हो रही है आप सिंपल यूट्यूब पे लिख दीजिए हाउ टू रेज फंडिंग और आप देखेंगे इन बहुत सारे चैनल आ जाएंगे ये फ्री नॉलेज पहले अवेलेबल नहीं बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चाहिए तो बस एक सेल्फ विल एक, एक अपने अंदर एक जुझारूपन की नहीं हमें वो काम करना है और मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए आप जॉब सीकर नहीं आप जॉब गिवर बनिए एक बहुत सेटिस्फाइंग जर्नी आपके लिए रहेगी आ, आपको किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं होगा बाद में और आप अपनी संभावनाओं को कहते हैं ना कि रियलाइज योर पोटेंशियल आपको पता नहीं चल पाएगा जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कि आप क्या बन सकते थे जॉब में भी आपकी बहुत कंफर्टेबल लाइफ रहेगी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर लें

स्टार्ट विद आस्किंग अ वेरी बेसिक क्वेश्चन की सर जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की आज के जमाने के स्टूडेंट्स की तो सर नॉर्मली क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है जैसे आई गेस एनजाइटी डिप्रेशन ये सारी चीजें हो गई या हो गया कि आज के जमाने में चीजें तो बहुत जैसे आपने बोला कि बहुत एक अच्छा टाइम है स्टार्टअप करने का तो चीजें तो बहुत अवेलेबल है तो कई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें इन सब चीजों को लेकर के सो कैन यू एक्सप्लेन अस अबाउट इट एक जो मैं कुछ चीजें मैं नोटिस करता हूं और मेरा मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस है जिनमें ज्यादातर टीयर थ्री टाउन्स के हैं रूरल एरियाज के भी हैं मैंने जिसे कहते हैं ना कि अर्बन और रूरल इंडिया तो दोनों का मैंने देखा है मैंने इंडिया और भारत दोनों को देखा है बहुत नजदीक से देखा है मुझे लगता है कि दोनों की अपनी समस्याएं हैं uh, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपटीशन का डर सबके अंदर है कि क्या हम इस कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे क्या कहीं ना कहीं करियर को लेके एनजाइटी बहुत ज्यादा है आज के समय में और वो लाजमी भी है क्योंकि जॉब्स उतने ज्यादा नहीं है और uh, uh, एक कंपटीशन इतना ज्यादा है जिसे कहते हैं गला काट प्रतियोगिता कट थ्रोट कंपटीशन है uh, उसमें ऑबियसली ये एक बट ऑब्वियस है कि एंगजाइटी बहुत ज्यादा रहती है आ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें खुद पे ध्यान देना होगा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हमें एक मशीन नहीं बनना है हमें बहुत ज्यादा लीनियर नहीं बनना है हमें आ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं आप में से कितने लोग हैं जो योगा करते हैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए समय निकालते हैं आप धूप में बैठते हैं खाली अपना दिमाग रखते हैं थोड़ा सा जिसमें आइडियाज आए हमेशा हम एक इतनी हरिड लाइफ जीते हैं आजकल जैसे कोई रेस लग रही हो उसमें हम सोच नहीं पाते जब हम बहुत ये हरिड सी लाइफ जीते हैं तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अफेक्ट होता है मान लीजिए आप, आप एक किताब पढ़ रहे हैं आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आप एक घंटे में पढ़ रहे हैं और चार घंटे में पढ़ रहे हैं तो जो, जो चार घंटे में पढ़ रहा है वो डेफिनेटली उसने ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा पूरा समय लगा के पढ़ा है कई बार हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम कोई अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम उसे एक घंटे में खत्म कर रहे हैं ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जब हम चीजों को बहुत जल्दी करना चाहते हैं जब बहुत जल्दी हम कुछ करते हो उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती एक चीज मैंने युवाओं में देखी है कि उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए उस उस माइंडसेट के साथ वो गलत कदम जीवन में उठा लेते हैं वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनसे शॉर्ट टर्म में तो उन्हें शायद गेन हो लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हो लॉन्ग टर्म में लॉस ही होता है तो ये काम हमें नहीं करने मैंने अपनी जो पहली इनकम थी अः वो अट्ठाईस साल की उम्र में कमाई थी और मुझे नहीं लगता आजकल आज कोई भी मैं किसी युवा से पूछूंगा तो वो इतना इंतजार करने को तैयार होगा वो कहेगा मुझे तो इक्कीस बाईस में ही शुरू करना है मुझे 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 घर वालों से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता मुझे काम करना है जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करना होगा अगर हम थोड़ा समय लगाते हैं और उसमें ज्यादा अच्छा करियर निकलता है तो वो ज्यादा अच्छा है कई बार क्या होता है कि हम कम उम्र के होते हैं हमें थोड़ा सा पैसा भी अगर आ जाता है तो इतना अट्रैक्टिव लगता है जैसे पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया लेकिन हम समय के साथ देखते हैं कि वो पैसा नहीं था जिन्होंने हमारे बाद में स्टार्ट किया था वो बहुत आगे निकल जाएंगे जाएंगे हम वहीं पे फंसे रह जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान पैसों पर ज्यादा था था स्किल पर कम इनफैक्ट uh, uh, जिनमें ये समझ होती है अः uh, कॉलेज के बच्चों में बस ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा का पैकेज लेना है बस ये इस तरह की मानसिकता देखी जाती है ये सही नहीं है आप सीखने पर ध्यान दीजिए आप ऐसी कंपनी में काम करिए जहां आपको बहुत कम मिल रहा है कोई बात नहीं लेकिन आपके पास सीखने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है आप जहां पर एक सिर्फ कैबिन तक ही सीमित नहीं होंगे आप बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज uh, ले रहे होंगे uh, तो उसमें आप में एक ऐसा करे जैसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपका जॉब वाला करियर भी बहुत अच्छा निकलेगा उसमें बाद में आप स्विच करेंगे आपको बहुत सारी ऑपरचुनिटीज मिलेंगी वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखेगा एक अच्छा कॉलेज एक अच्छा नाम कॉलेज का सिर्फ आपको एक स्टार्ट दे सकता है उसके बाद आपकी जो जर्नी है वो वही रहेगी जो आपके अंदर स्किल होगी वो डिटरमाइन करेगी कॉलेज का नाम बस शुरू में आपके काम आ सकता है तो ये मैं समझता हूं और दूसरी बात एक और है देखिए हमें अपनी हमें ये रियलाइज करना है कि हमारे जीवन में जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ पैसों से नहीं है राइट अः मैं अगर हैप्पीनेस को सौ परसेंट बोलता हूँ तो मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ कि भाई उसमें दस परसेंट हिस्सा हेल्थ का है दस परसेंट अच्छी फैमिली है दस परसेंट फ्रेंड्स है उसमें बीस परसेंट मान लीजिए करियर है और इनमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो अगर कम है तो बाकी चीजें उसको ओवर कम्पनसेट कर सकती हैं तो मान लीजिए अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है और हेल्थ कम है तो वो फिर आप खुश नहीं रहेंगे राइट अगर आपके पास फैमिली प्रॉब्लम है लेकिन आपके पास हेल्थ भी है तो भी आप खुश नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये भी रियलाइज करना होगा कि हमें एक बैलेंस्ड लाइफ भी जीनी है और मोर इम्पोर्टेंटली काम लाइफ की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए अगर हम काम रहेंगे तो जो लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं हम उनसे आगे निकल जाएंगे डेफिनेटली सर सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड अपना मतलब आज के जमाने में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं यूट्यूब में जाऊं और अगर मैं देखूं कि मेरे को फ्रीलांसिंग uh, के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए तो बहुत सारी चीजें आती है डिजिटल मार्केटिंग हो गया वेबसाइट uh, डिजाइनिंग हो गया

देखो वो पता तब चलेगा जब आप बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे अब आ, आपको उतना साहसी बनना होगा कि आप बहुत सारी चीजें ट्राई करें राइट आप अलग अलग डिफरेंट चीजें ट्राई करें इनफैक्ट ये सवाल आ, मेरे सामने भी आया था जब मैं एक नौकरी कर रहा था मुंबई में कंपनी में और मुझे ये था कि मुझे कुछ शुरू करना है तो मैंने अपनी लाइफ को आराम से एक शांति से बैठ के कमरे में मैंने देखा और मैंने देखा क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मैं वास्तव में एंजॉय करता था जब मैं स्कूल में था तब मैं अपने साथ के बच्चों को मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्लास का टॉपर था कभी नहीं रहा मैं तो बहुत औसत एक बच्चा रहा हूँ हमेशा से स्कूल में भी और आगे भी लेकिन एक चीज हमेशा से थी कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था और बहुत सारे स्टिग्मा थे अटैच कि टीचर तो वो बनता है जिसके पास कोई कुछ करने को ना हो तो सब कुछ यू नो एग्जॉस्ट करके फिर वो टीचर बन जाता है इस तरह की धारणाएं हमारे समाज में थी टीचर का करियर वैसा नहीं था जैसा आज होता है 2014 की बात कर रहा हूं मैं जब एडुटेक नहीं था और टीचर्स उतना कमाते भी नहीं थे आ, fact, मैं आपको अगर बताऊं तो दस से पंद्रह हजार रुपये महीना कमाता था और ये लगभग लग दो साल चला आ, जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब तो मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था छह से सात महीने लेकिन वही है कि आप ये देखिए सबसे पहले अपनी जीवन को देखिए क्या ऐसी कोई चीज है जो आपने सच में एंजॉय करी है आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खिलौने डिजाइन करते हैं जो टॉय डिजाइन करते हैं क्योंकि उन्हें खिलौने पसंद थे बचपन में मैं इनकी बात नहीं कर रहा ये जो आजकल के जो पबजी वगैरह इन गेम्स की बात नहीं कर रहा मैं मैं फिजिकल टॉयज की बात कर रहा हूँ वो टॉयज डिजाइन करते हैं तो उनका इंटरेस्ट था तो उन्होंने उसको अपना पैशन बनाया उन्होंने पैसों का नहीं सोचा देखिए ये भी एक चीज है अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ जाएंगे अगेन आप को रैशनल नहीं होना राइट right? एक एक डांसर अगर है उसे नहीं पता कि वो डांस में बहुत अच्छा कर पाएगा या नहीं लेकिन अगर वो जुझारू है अगर वो अपना हंड्रेड परसेंट दे रहा है और वो इस चीज के लिए भी तैयार है कि मैं खुश रहूंगा मैं एक डांसर के करियर में खुश रहूंगा चाहे मैं कम कमाऊं तो मुझे लगता है वो ऑटोमेटिकली अपने प्रोफेशन पे इतना ध्यान देगा अपनी स्किल पे इतना ध्यान देगा कि फिर अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगेंगी हमें हम हमारी समस्या ये है कि हम डेस्टिनेशन पे इतना ध्यान देते हैं कि हम पाथ पे ध्यान नहीं देते हम पाथ को भूल जाते हैं वहां तक पहुंचने का जरिया भूल जाते हैं हम हम एक हमारे दिमाग में इतने आ, कहते हैं ना बिल्डिंग इन एयर तो हम जो हम बनना चाहते हैं वहां का हम देख कर उस सुखद जीवन के बारे में उस जीवन के बारे में सोच सोच के हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए उस पर कभी हम बैठ के सोचते नहीं है राइट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जो पेंटर अच्छा है मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पेंटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं डांस का एग्जाम्पल लेते हैं डिजाइन का एग्जाम्पल आपने कहाता हूँ डिजाइन के क्षेत्र में किसी का इंटरेस्ट है तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए आज डे जीरो पे सबसे पहले वो देखे कि डिजाइन में किस किस ने अच्छा करियर बनाया है पहले इमीडिएटली हमें बहुत हाई फाई लोगों तक नहीं जाना हमें देखना है पहले हमसे हमारे सीनियर क्या कोई ऐसे रहे हैं हमारे कोई आसपास के जो कॉलेज हैं उनमें कोई ऐसे लोग रहे हैं हम उनको रीच आउट करें उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो हमें थोड़ा समय दें हम उनके बहुत सारे फ्री टेकटॉक्स अवेलेबल हैं मैं वही तो कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर ही इतना कुछ अवेलेबल है यूट्यूब ही नहीं गूगल आप कर दें कि हाउ टू तो बिकम अ डिजाइनर या हाउ टू तो मेक अ करियर आपको कोरा जैसी वेबसाइट्स पे बहुत अच्छे आंसर मिल जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने डिजाइन में अच्छा करियर बनाया है वहां से आपको आइडिया मिलेगा धीरे धीरे आप उसमें कदम बढ़ाएंगे हर रोज एक छोटा कदम बढ़ाएंगे एंड नेवर अंडर एस्टिमेट

फिर आपने फाइनली सोच लिया कि मैं वो बनूंगा फिर कुछ और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऐसे धीरे धीरे होता है एक बार एक बार हमारे मित्र हैं उन्होंने सोचा था था कि वो बिजनेस करेंगे सब कुछ सोच लिया था, बहुत मोटिवेटेड भी थे लेकिन उन्होंने बताया कि जिस दिन उन्होंने अपनी पहली सेल की थी उस दिन वास्तव में कॉन्फिडेंस उनके पास आया था उससे पहले भी था थोड़ा बहुत था कि लेकिन वो दस था बीस था लेकिन जब वास्तव में उन्होंने जाके अपने क्लाइंट को कन्विंस करके अपनी पहली सेल करी वास्तव में उस दिन उनका कॉन्फिडेंस रियल कॉन्फिडेंस था तो कॉन्फिडेंस की भी स्टेजेस होती हैं एक कॉन्फिडेंस होता है जो पढ़ने से आता है जो बुक्स पढ़ने से आता है जो लेकिन वो कॉन्फिडेंस उतना स्थाई नहीं होता उतना परमानेंट नहीं होता जब आप अपने उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और उस जर्नी में जब आपको थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्थायी होता है परमानेंट होता है तो टेक स्मॉल स्टेप्स जो भी आपका पैशन है पहले तो सोचिए कि दो तीन अंडरलाइन कर लीजिए कि ये दो तीन चीजें मैं एंजॉय करता हूँ हाँ एक बात और आप हॉबी को और पैशन को कंफ्यूज मत करना ठीक है अगर आपको मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है क्रिकेट देखना पसंद है तो आप ये मत सोचना कि मैं मैं तो क्रिकेट में करियर बनाऊंगा या तो ये भी आपको ध्यान रखना है पैशन कुछ अलग होता है पैशन ऐसा होता है कि आप सुबह उठे और आप सोचें कि हाँ मुझे आज ये खुद काम करना है वो पैशन होता है और अगर आपको प्रेगमेटिक भी होना है तो आप ये सोच लीजिए कि भाई मैं उसमें कितने इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा क्या ये इंटेंसिव सेक्टर है क्या ये ऐसा सेक्टर है जिसमें एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है आपने आपनेट फाइव फोर्सेस पढ़े होंगे राइट तो अगर किसी फील्ड में जाना ही बहुत कठिन है तो आप उसमें नहीं जा सकते जैसे टेलीकॉम सेक्टर है अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी टेलीकॉम कंपनी बनाऊंगा लेकिन एक टेलीकॉम कंपनी शुरू करने के लिए कुछ एक लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए राइट तो वो पॉसिबल नहीं है वो ओलिको पोलिस्टिक मार्केट है ये सब आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे सो आप देखिए कि कहाँ आप जा सकते हैं कौन सा ऐसा फील्ड है आप एक नीच को टारगेट करिए छोटे नीच को टारगेट करिए वहां से आप एंट्री लीजिए देखिए सबसे पहला काम ऑन्टरप्रन जर्नी में ये नहीं होता कि आप कितना कमा रहे हैं या क्या कर रहे हैं सबसे पहला काम है आप सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाइनटी परसेंट तो स्टार्टअप सर्वाइव नहीं करते शुरू के पांच साल तो यू हैव टू बी अर्वाइवर फर्स्ट मुझे अगर दो साल बाद कोई पूछता कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है तो मैं कहता कि मैं सर्वाइव कर गया तो ये मेरी अचीवमेंट थी उसके बाद तीन साल के बाद फिर मेरी अचीवमेंट कुछ छोड़ती चार साल के बाद कुछ छोड़ती आज बहुत अलग है तो इस तरह से धीरे धीरे आपको कदम बढ़ाने होंगे सर मतलब आपने काफी अच्छी बात बोली लेकिन सर जैसे अगर किसी को फ्रीलांसर बनना है ठीक yeah. है या ऑन्टरप्रेन्योर बनना है तो आज की डेट में इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कौन से ऐसे फील्ड है जहाँ फ्रीलांसिंग करना या एज एन ऑंटरप्रेन्योअर थोड़ा मतलब इजी हो सकता है लाइक फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट या देखिए आपका सवाल ही गलत है मैं कहता हूँ पहली बात तो आप इजी सोचिए ही मत कि क्या इजी है और क्या नहीं है मैंने आपको बत, क्या बताया कि आप ये देखिए आपको किस किस चीज में बनना है फ्रीलांसर राइट उसमें आप बाकी कंपटीशन को धीरे धीरे अपने पैशन से आप उसमें लर्न करके ज्यादा स्किल्ड होकर आप एलिमिनेट कर पाएंगे आप ये मत देखिए कि इजी रास्ता कहाँ है दिस इज नॉट ऑनरप्रिनशिप इज नॉट अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अगर आपको फ्रीलांसिंग में करियर बनाना है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए पहले आप देखिए भारत में कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं और मैं पर्सनली बहुत सारी वेबसाइट्स को जानता हूं जहां पे फ्री लांसिंग की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं अब फ्री लांसिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है मान लीजिए आप ट्रांसलेशन में फ्री लांसिंग करना चाहते हैं तो उस पर वेबसाइट पे ट्रांसलेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आप पार्ट टाइम पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी अवेलेबल है तो किस चीज में आप फ्री करना चाहते हैं वो देखिए और उसके हिसाब से फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है फिर आप उसमें ग्रो करेंगे सीखेंगे कुछ लोगों का इंटरेस्ट फोटोशॉप में होता है अब वो फोटोशॉप की फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो वो फोटोशॉप की फ्रीलांसिंग करेंगे, राइट? Right? तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है आंसर माय नेक्स्ट क्वेश्चन सब व्हाट डू यू थिंक लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर बाय एज एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया मतलब इंडिया में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्टल्स है या करप्शन है ये बहुत ज्यादा है तो सर हम मतलब थोड़ा सिस्टम जो है हमारा वो भी कंफ्यूज है सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट के बीच में तो सर उसमें कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया एज एन ऑनटरप्रेन्योर कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस मेरे को लगता है ये एक मिसकंसेप्शन है कि ऑनटरप्रेन्य uh, uh, इन चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं मुझे लगता है जो लार्ज कारपोरेट होते हैं जिनको क्लियरेंसेज नहीं मिलते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंसेज या उस सब में हमें काम करना है लेकिन आज बहुत इजी है आपको कोई नहीं रोक रहा आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं मुझे कभी भी किसी सरकारी तंत्र से या ब्यूरोक्रेट से या करप्शन से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कभी किसी ने आज मुझसे कोई भ्रष्टाचार या पैसा नहीं मांगा कुछ भी ये मैं तो देखिए आपका सीधा पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है आपको बी टू बी करना है बी टू सी करना है आपको किस तरह का बिजनेस करना है उसमें फिर आपको आगे बढ़ना है और ये जो चीजें आप कह रहे हैं ये ये सिर्फ मिसकनसेप्शन होते हैं ये हम अपने माइंड में सोच लेते हैं चीजों के बारे में बहुत सारे प्री कंसेप्ट नोशन होते हैं पूर्वाग्रह होते हैं ऐसा कुछ नहीं है बहुत सब कुछ ईजी है ये सारी चीजें आपका मेन चैलेंज ये नहीं रहेगा आपका मेन चैलेंज ये रहेगा कि आपको कैसे इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में अपना जो बिजनेस है अपने कॉम्पिटेटर्स के इकोसिस्टम में उसमें सरवाइव करना है और थ्राइव करना है ये आपका कंपटीशन वो रहेगा चैलेंज इस पे आपको सोचना है आपको ये पेरीफेरल चीजें नहीं सोचनी कि सरकार करप्ट है या नहीं है या मुझसे रिश्वत मांगी जाएगी ये सब चीजें यही तो मैं कह रहा हूं जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ रास्ते खुलते चले जाएंगे ये वो चीजें हैं जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी चीज के बारे में तो हमें चीजें खुद ही हम अपने आप को ही इतना पीछे धकेल देते हैं हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं और फिर हम शुरू नहीं कर पाते ये सिर्फ मिसकनसेप्शन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है कदम बढ़ाइए आप देखेंगे ये सब चीजें कुछ नहीं है अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे आपने पूछा कि ऑनट्रप्रनियर को फिर किस तरह की दिक्कतें आती हैं तो वो एक जेनुअन क्वेश्चन है दिक्कतें तो आती हैं सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कैपिटल की कि आपको कितना कैपिटल चाहिए अगर आप ऐसे बिजनेस में जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पे कैपिटल ज्यादा लगेगा लेकिन जैसा मैंने बताया वो चीज भी अब कम हो गई है क्योंकि अब एंजल इन्वेस्टर आ गए हैं एंजल uh, इन्वेस्टर अब देखिए वही है अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको पता होना चाहिए एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है कैपिटल फर्म्स क्या होती हैं प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स क्या होते हैं इसके लिए आपको पढ़ना होगा बुक्स पढ़नी होगी इंटरनेट पर देखने होंगे वीडियोज क्या हम क्या आप वो सब देखते हैं ये सवाल आपको अपने आप से करना है राइट ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना पढ़ें कुछ भी ना देखें नॉलेज एक्वायर ना करें और फिर आप सोचें एक दिन मैं तो एंटरप्रेनर बनूंगा ऐसा नहीं होता कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है और सबसे अच्छी बात उसमें अगर कंपनी फेल होती है तो वो आपके साथ फेल होगा आपको कुछ गिरवी नहीं रखवाना वो लोन नहीं है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है राइट अगर आपने कोई आइडिया सोचा और आपके पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है आप उसको अपना आइडिया बताइए मीटिंग्स करिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे और वो एग्री कर जाएगा आप सौ से मिलेंगे उसमें दस आपका आइडिया सुनेंगे एक उनमें से एग्री करेगा और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसने आपकी कंपनी में कुछ पैसा लगा दिया उसके बदले में कंपनी का वो कुछ हिस्सा अपने पास ले लेगा जिससे कल कंपनी की अगर वैल्यू बढ़े तो उसमें वो फिर प्रॉफिट कमा सके तो इस तरह से चीजें चलती हैं सौ बातों की एक बात यह है कि हमें जिस दिशा में हमने सोचा है हमें उसमें कदम बढ़ाना होगा बैठे बैठे कुछ नहीं होगा आपको नॉलेज एक्वायर करनी होगी और तभी आपकी स्पीड उसमें बढ़ेगी फिर नॉलेज एक्विजिशन स्किल एक्विजिशन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं राइट right? उसके लिए आपको काम करना होगा सीखना होगा यू हैव टू लर्न द जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं कैपिटल uh, मैंने बताया जैसा कि कि वो एक चैलेंज है नो हाउ उस बिजनेस को कैसे करना है और वो सारे रहते हैं। तो ये है मेरे हिसाब से आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन जो लोग करते हैं ये उतना ज्यादा अब डिमांडिंग रहेगी आने वाले समय में देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि जो भी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाती है विकासशील से विका, विकसित की तरफ जाती है वो उसमें हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स का अट्रैक्शन कम होता है राइट आज आप अमेरिका में देखें देर आर नो टेकर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अमेरिका में बहुत मुश्किल हो जाता है वहां की सरकार के लिए गवर्नमेंट जॉब्स को फिल करना गवर्नमेंट जॉब्स को कोई अप्लाई नहीं करता है प्राइवेट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि जब हम एक डेवलप्ड कंट्री बनते हैं तो हम वो जो एज ओल्ड चीजें हैं हम उनसे बाहर निकलते हैं आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या है जो आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं एक हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब भी आपको एक लाख रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकती राइट तो ऐसी जॉब में आपको क्या अट्रैक्टिव लगता है उसमें राइट तो ये सवाल आपको अपने आप से करना है प्राइवेट में किस चीज की कमी है आज हम पहले बोलते थे जॉब सिक्योरिटी और ये ये सब कंसेप्ट आज बेकार है अगर आपके पास स्किल है मैं आपको एक बड़ी अच्छी लाइन बताता हूं आपको रिटेन करने के लिए स्ट्रगल करेगा आज इतनी ऑपरचुनिटीज हैं आपको इतने ऑफर होंगे आपके पास अगर जेन्युन स्किल है तो इतने ऑफर आपकी टेबल पे होंगे कि आप चूज करेंगे आपको कहा काम करना है और आपका एम्प्लॉयर स्ट्रगल करेगा आपको रिटेन करने के लिए जॉब सिक्योरिटी आपकी समस्या नहीं है आपको रिटेन करना उसकी समस्या है राइट सरकारी में ऐसा क्या है मुझे समझ में नहीं आता कि आ, लोग आज भी सरकारी नौकरी के पीछे इस तरह से भागते हैं जैसे कोई विकल्प ही ना हो अब वो जमाना नहीं है अब हम उन्नीस या साठ के समय में नहीं जी रहे जब सरकारी नौकरी ही एक ऐसा माना जाता था कि उसी में सिक्योरिटी है और वही सब कुछ है प्राइवेट कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी हाँ एक बंद हो जाएगी लाख कंपनीज हैं हजारों लाखों कंपनीज हैं आप किसी और में काम कर सकते हैं कोई बात नहीं तो मुझे लगता है कि कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोग बड़े ही इस तरह से होते हैं कि उनका रुझान सरकारी नौकरी की तरफ होता है तो फिर उन्हें बाकी कुछ संसार में कुछ नजर नहीं आता उन्हें लगता है यही सब कुछ है और वो अगर 20 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो 30 साल के हो जाते हैं तैयारी करते करते लेकिन उन्हें करना फिर भी वही है क्योंकि उन्हें लगता है उसके अलावा उनके वो वो बहुत एक हताशा सी फील करते हैं वो ऐसा फील करते हैं कि अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा जीवन में इस सोच से आपको बाहर निकलना है प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही कोई भी कंट्री अगर डेवलप हो रही है डेवलपिंग से की तरफ जा रही है तो प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही दुनिया की आप की, किसी भी कंट्री को देख लीजिए डेवलप्ड है वहां पे सरकारी नौकरी में कोई पीछे नहीं भागता और सर एक भी बहुत बड़ा एक लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर इन्वेस्टमेंट्स अगर हम कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो इस, यहाँ की इसमें मतलब हम इन्वेस्टमेंट लें

मैंने जब स्टार्ट किया था दो लाख रुपए कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता मैंने अपने फादर से लिया था दूसरी बात है बहुत सारे आज योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उसमें आपको दस लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है उसमें भी तीन कैटेगरीज हैं शिशु तरुण और किशोर शिशु में पचास हजार तक का लोन मिल जाता है तरुण में पांच लाख तक का और किशोर में पाँच लाख तक का और तरुण में दस लाख तक का लोन मिल जाता है

मान लीजिए मैं आज एंजल इन्वेस्टर हूँ तो आप मेरे पास आएंगे और मुझे कोई कहानी सुनाएंगे कि मैं ये काम करूंगा इसमें ये हो जाएगा या मैं ये इसमें इतनी ग्रोथ है तरह से काम नहीं चलता आपको प्रॉपर एक चीज समझनी होगी आपको मुझे मार्केट साइज दिखाना होगा अपॉर्चुनिटी दिखानी होगी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे तथ्यों के साथ फैक्ट्स के साथ और आपने उस दिशा में क्या क्या कदम बढ़ाए हैं वो मुझे दिखाने होंगे अगर मुझे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लगेगा मुझे लगेगा हाँ ये स्टार्टअप अच्छा हो सकता है तो मैं उसमें पैसा लगाऊंगा तो इस तरह से फंडिंग रेज होती है एंजल इन्वेस्टर से स्टार्ट होता है ऐसी कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि एंजल इन्वेस्टर इतने तक लगाता है लेकिन जनरली एंजल इन्वेस्टर मैक्सिमम पांच करोड़ तक लगाता है कुछ लाख से लेके कुछ दो लाख से लेके और पांच करोड़ तक लगाता है आपको और ज्यादा पैसा चाहिए अगर बाद में तो कंपनी आप धीरे से ग्रो करिए फिर कंपनी में दिखाइए कि हाँ ट्रैक्शन आ रहा है फिर आप उसके बाद वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के पास जा सकते हैं वहां से आप पैसा रेज कर सकते हैं तो सरकारी तंत्र से भी कर सकते हैं और प्राइवेट प्लेट से भी कर सकते हैं खुद का भी लगा सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट लो है तो आप मैं चाहूंगा कि खुद का ही लगाएं क्योंकि आप अपनी कंपनी का जो हिस्सा है वो डायल्यूट नहीं करेंगे अगर एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में मान लीजिए बीस लाख रुपए लगा रहा है तो वो उसमें आपकी कंपनी का बदले में कुछ एक्विटी भी लेगा दस परसेंट और आगे जाके अगर आपको लगता है कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो वो दस पंद्रह की वैल्यू फिर बहुत ज्यादा हो जाती है yes, और सर एक और एक चीज पूछनी थी सर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के तो पहली बात तो उसके बारे में जानना और प्लस उसके बारे में एग्जीक्यूशन करना इसके बारे में सर आप थोड़ा बता देंगे तो काफी अच्छा होगा uh, जी आप आ, आप सब इंजीनियर हैं आ, अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं राइट डिपेंड करता है आप कितना हाई जाना चाहते हैं अगर आपको बहुत एलिट जॉब चाहिए तो आप आई की तैयारी कर सकते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पी वगैरह के एग्जाम होते हैं वो दे सकते हैं आ, महारतन कंपनीज हैं हमारे ओ एन जी सी सेल भेल गेल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ये सारी जो कंपनीज हैं बी पी सी आर भारत पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन सब में आप काम कर सकते हैं अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं आप न, आप अगर थोड़े लोअर जॉब चाहते हैं अगर आपको लगता है यूपीएससी इज स्टेप टू फार तो आप किसी रिलेटिवली uh, छोटे पोस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं आप जो दूसरे एग्जाम है उनको दे सकते हैं बैंकिंग के एग्जाम दे सकते हैं आप आई बी या क्लर्क के एग्जाम दे सकते हैं आजकल बहुत सारे इंजीनियर मैं जानता हूं जो बैंक में पीओ के पद पर काम कर रहे हैं उसमें आईबीपीएस एसबीआई कई सारे एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं क्लैरिकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आप एसएससी के थ्रू ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं इसमें एस एस सी या आप सी के एग्जाम दे सकते हैं uh, सब कुछ खुला है आप कुछ भी कर सकते हैं आप करियर भी चेंज कर सकते हैं आप इंजीनियरिंग के बाद आप एल uh, एल करके आप जज भी बन सकते हैं कुछ देखिए सारी ऑपरचुनिटीज खुली हैं uh, कोई भी ऐसा करियर नहीं है जो इंजीनियर इंजीनियरिंग करके आप नहीं कर सकते इनफैक्ट आज बड़े बड़े एक्टर बड़े बड़े कॉमेडियन बड़े बड़े uh, फिल्म स्टार बहुत सारे इंजीनियर रहे हैं आप व्लॉगिंग कर सकते हैं यूट्यूबर बन सकते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर मैं जानता हूँ जो आई आई टी और जो व्लॉगिंग करके बहुत इन्होंने अच्छे करियर बनाए हैं आज इनफैक्ट uh, भारत के जो सबसे बड़े जो uh, दस या पंद्रह यूट्यूबर हैं उनमें से uh, चार या पांच इंजीनियर हैं तो इंजीनियर आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे uh, क्योंकि आपका क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड था तो मैंने आपको कुछ करियर बताए हैं लेकिन इसमें देर इज देर इज अज रेंज इसमें रेंज बहुत बड़ी है आप एल का एग्जाम दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर सकते हैं जी है यू है एन है इनमें काम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज है आ, सब कुछ खुला है आपके सामने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है आप आगे आ, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी सरकारी नौकरी में जा सकते हैं आप आगे एम करके भी सरकारी नौकरी में जा सकते हैं आ, तो यही मैं कहूंगा इसमें अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं so uh, i would like to thank you thank give thanks to you because uh, you have cleared a lot of doubts which are often you know encountered by students so i would like to hand to kanan because there are many students who still have doubts so she can so we have some question from our students that is is privatization of government sectors such as indian railway BPCL, BSNL, देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि का नहीं किया जाएगा, तो आप की रेलवे तो होगा चांसेस बहुत कम है बी एस एन एल सरकार ने ऐसा कोई अपनी मंशा नहीं जताई है कि बी एस एन एल को प्राइवेटाइज किया जाए एक नेशनल टेलीकॉम कंपनी हर कंट्री में होती है तो वो हमें को लगता है उसके चांसेस कम है दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन अगेन मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता मुझे लगता है आ, हमने देखा है किस तरह से आ, चाहे ब्यूरोक्रेसी कही है, चाहे रेड टेप कही चाहेफिशी कही है, से हमारे जो ये कंपनी है ये आ, मुझे लगता है कि सफर कर रहे हैं तो एक प्राइवेटाइजेशन अगर सरकार को लगता है प्राइवेटाइज करके उन कंपनीज के साथ कुछ अच्छा हो सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है हालांकि ये भी सच्चाई है कि आ, सरकारी कंपनियों में भी तब्दीलियां की जा सकती हैं पर अगर सरकार को लगता है कि वो कठिन ज्यादा है तो वो एक सरकार का कॉल है उसमें आ, हम कुछ नहीं कर सकते आ, आपका जो डिसीजन है कि आपको क्या करना है जीवन में वो इस चीज पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट ऐसा नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है तो वो जॉब आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाए और प्राइवेट है तो वो जॉब आपके लिए कम अट्रैक्टिव हो जाए इस सोच के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है ओके सर now the next question is how to clear CLAT? cat huh, cat ha cat common तो, law admission test yeah obviously ha maine bhi mba kiya hai cat clear kiya hai maine bhi okay uh, basically is ye to ek technical question ho gaya ki ye to mujhe lagta hai Uh, आप किसी अगर ऐसे व्यक्ति से पूछें जो जिसने आई एम अहमदाबाद या कहीं से एमबीए किया है तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा मेरा मेरा तो कैट में कोई बहुत बहुत ज्यादा स्कोर स्कोर नहीं नहीं था मेरा 92 स्कोर था मुझे लगता मैं एक बहुत अच्छा कैंडिडेट इस चीज़ का जवाब देने के लिए आ, ये okay. आप तो किसी जो कैट की कोचिंग देते हैं आपके मैं अहमदाबाद में भी एक एक बार आया था एक है या जो भी इस तरह के उनके कोई टीचर है उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सवाल है, इस पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा ये तो सबकी एक अपनी अपनी सोच है अपना अपना एक सबके लिए एक अलग वो होती है अगर आप एक आज कॉलेज में पढ़ रहे है तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं की आप अपने जो

आपको अपना एक सर्कल खींचना होगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि तो हर एग्जाम में जीके अलग तरह की होती है यूपीएससी में अलग तरह की होती है एस में अलग तरह की होती है बैंक में अलग तरह की होती है और आपको जो जनरल नॉलेज है आपको कोई कोई मास्टर नहीं बनना है आपको बस जो उस एग्जाम में जनरल नॉलेज आ रही है बस उतनी पढ़नी है जैसे अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छह महीने के करंट अफेयर आते हैं बस आपको वो पढ़ने अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक साल के करंट अफेयर आते हैं आपको वो पढ़ने हाँ अगर आपका करंट अफेयर पैशन है जैसे कि मेरा है और आज मैं करंट अफेयर्स का टीचर हूँ छह साल से तो आपका वो पैशन है तो फिर आपको ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ना है आपको डेली डेली आप उसको एंजॉय करेंगे जैसे मैं पंद्रह सोलह अखबार पढ़ता हूँ अलग अलग मैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पढ़ता हूँ बहुत सारे ऐप्स हैं इन शॉर्ट्स और बहुत सारे ऐप हैं आजकल जो आपको अपडेटेड रखते हैं वो पढ़ता हूँ उनको कनेक्ट करता हूँ अपने खुद के नोट्स बनाता हूँ तो वो एक वो एक अलग चीज है वो एक अगर आपको करंट अफेयर्स एक्सपर्ट बनना है तो वो एक अलग करियर है और अगर आपको सिर्फ एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स करना है तो वो एक अलग चीज़ है

अगेन ये बहुत सारे सवाल हैं मस्ज इन टू वन इसमें बहुत समय लगेगा इसका जवाब देने में देखिए मैराथन है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कैंडिडेट बैठ रहे हैं दस लाख और सीट हैं कुछ हजार या कुछ सौ तो ऑब्वियसली सब सेलेक्ट नहीं होंगे तो आपको ये मान के ही चलना होगा कि फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आ, जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसी पर रहिए बैक पेपर्स देखिए कि बैक पेपर्स में क्या आया है आ, बहुत ज्यादा सॉलिड तैयारी करिए उसी चीज को बहुत बार रिवाइज करिए देन आप नई नई चीजें पढ़ें एक पेपर औसत लेवल का आता है और पेपर लोग इसलिए क्लियर नहीं कर पाते कि वो जो रीजन ऑफ फेलियर है इसलिए नहीं रहता कि उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं पढ़ी फेलियर का रीजन यही रहता है कि जो चीज आपसे एक्सपेक्टेड थी कि आप ठीक करेंगे उसमें आपने गलती कर दी तो एक लिमिटेड सिलेबस पढ़िए लेकिन उसे बहुत अच्छे से पढ़िए और ये एक बहुत बड़ा सूत्र है आई थिंक इज ऑफ सक्सेस

गुजरात की जो आपको जो चीजें हैं वो पढ़नी है गुजरात अच्छे से पढ़नी है और साथ साथ आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है पॉलिटी एनवाइ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस देखिए आप अच्छे से उसमें गो थ्रू करिए पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए हमारे ही चैनल पर गुजरात पी रैंक वन जिसका जिस कैंडिडेट जिस जिस की आई थी दो साल पहले उनका वीडियो अवेलेबल है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बहुत कुछ नॉलेज अवेलेबल है आप उन को देखिए ओके सर नाउ हाउ टू ऑन ऑन लार्ज स्केल

कि मैं ये करना चाहता हूं और इसमें YouTube मेरा कैसे साथ देगा आप YouTube पर इसलिए जाइए क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हैं उसमें YouTube आपका साथ देगा। आप जो जो करियर चाहते हैं उसमें YouTube पर इतनी एक्सेलेंस आप रख लीजिए कि उसमें जो व्यूज होते हैं या जो भी पैसा वो एक बाय प्रोडक्ट होता है उसके पीछे आप करियर नहीं बना सकते मैंने टीचिंग में करियर यूट्यूब पे बनाया है और टीचिंग में जिस समय मैंने शुरू किया था बस चार चैनल होते थे यूट्यूब एक एक तो से, से पूछता मैं, मैं हूँ वो, वो तो कहता आप यूट्यूब पे ही क्योंकि यूट्यूब पे ही नहीं चैनल एजुकेशन के तो ये तो सवाल ही गलत है ऐसे नहीं होता आप कहीं भी अपना रास्ता पा सकते हैं अगर आप अपने आप इस पर ध्यान दीजिए बस कि आप करना चाहते हैं और उसमें मैं कैसे बेस्ट करूं बुक नहीं होती बुक्स होती है और वो बहुत सारी है Hello? जी, वो, uh... 20 40 50 किताबें हैं उनके नाम यहाँ पे लेना वो नहीं है आप अगेन हमारे चैनल पे जाइए स्टडी आईक्यू आप सर्च कर लीजिए बुक्स फॉर यूपीएससी और आपको उस पे कई सौ वीडियोस मिल जाएंगे आप उनमें अलग-अलग जो टॉपर्स हैं उनके वीडियोस देखकर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सुटेबल रहेगी सो व्हाट इज इनोवेटर्स डिलेमा हां ये एक बहुत अच्छा सवाल है इनोवेटर्स डिलेमा बेसिकली Uh, एक चीज आपके लिए जब तक काम करती है आपने एक वर्ड सुना है आई uh, क्या आपने सुना है आई है बेसिकली एक कहानी है uh, ये कहानी है बेसिकली कि एक uh, कुछ uh, बहुत ज्यादा तो मुझे याद नहीं है लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि जो चीज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आप उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते जैसे आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केट लीडर थी वो खत्म हो गई ठीक है जैसे नोकिया है फूजी फिल्म है ये सारी मार्केट लीडर्स हुआ करती थी लेकिन इन्होंने समय पे इनोवेट नहीं किया और समय पे इनोवेट क्यों नहीं किया क्योंकि जो चीज आपके लिए अब तक काम करती आई है आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहते राइट तो मेरे को लगता है एक जो, ए, एक जो इनोवेशन है उसके लिए ओपन माइंडसेट होना चाहिए ये हमें रियलाइज करना है कि पुरानी जनरेशन के लिए जो एस्पिरेशनल था आज की जनरेशन के लिए वो एवरेज है और आने वाली जनरेशन के लिए वो रिटेंडेंट हो जाएगा तो हमें कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना है टू स्टे रेलिवेंट ओके सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन वी आर थैंकफुल फॉर योर टाइम नाउ यू ऑल कैन लीव थैंक यू सर एक्सक्यूज मी हेलो हेलो सर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे अभी जो या आप एक काम सर सब... एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आ, आ, आप मुझे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें